विधायक जी देखे गईले आ रोड पे बैठ गए सैनी जी आ एमे आ गए विधायक जी हमारा में सैनी जी में आग लगावत नहीं दादा दादा आग लगा। दरअसल लंबा समय से दलित पिछड़ा के एकता ना बने एकर प्रयास बहुते लोग कैले बा आ बुरा ना माने के होई ओकरा मीडिया के भी हाथ बा नैरेटिव सेट करे के काम होला ठीक न। ऐसे राव जो सवाल बा उस सवाल ही बा कि हमनी में दरार पैदा हो जाओ नहीं नहीं दरार कैसे प्यार बढ़ो प्यार बढ़ो अब हमनी के पढ़ लिख ले बनी जा ठीक न हमनी के समाज भी पढ़ लिख ले बा तो अब वो दरार पैदा ना हो चाहे कतनो प्रयास होके ठीक हमनी में एकता वाइसन बात नहीं है हमनी के दोनों आदमी साथे बने जा। अच्छा ये कुछ हमनी के सुनी हमनी के कहीं से लड़ाई नहीं है कि के पहले पहुंचल हो जा के बाद में पहुंचल जकरा जैसे सूचना पहुंचल वो जब पहुंचल मूल बात ही बा मूर्ति तुरे वाला के जवन भी मान सकता होके स्पष्ट बा रघु ए बात से सहमत होकम कि संविधान निर्माता अब भारतीय समाज के नया रास्ता दिखाए वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से केकरा दिक्कत हो सकल ना कोनो खास धर्म के हमें ना कोनो खास जाति के हम तो देश के तमाम नागरिक के हम तो हम तो कहनी कि मूर्ति टूटे के खिलाफ सबके उतरे के चाहे। ए एस पी साहब से और बातचीत भैल दिन आश्वासन मिलो कि 4 से 5 दिन में धरा दिया आज 10 दिन बीत गए कोनो कार्रवाई ना। अच्छा वही बताई इतना है शराब कांड भैल बालू माफिया बने अपराधी बने कोई धरा था कोई देख नहीं धराइल बिहार के प्रशासन फेल बा वो अपराधी के पकड़े में सक्षम नहीं के ये बात के हमने के जाना था नहीं ऐसे हमने के दबाव बनाओ था नहीं जाके गिरफ्तारी होके लेकिन बिहार के जो प्रशासन बा वो तो एकदम फेल बा नीतीश कुमार के हाथ में नहीं गए वो तो आतना अपराधी के मन बढ़ गिल बा कि थाना प्रभारी तक हत्या करा तरह से पूरा बिहार में रो देखिए। अच्छा ये कुछ चीज प्रश्न बढ़ते गुढ़ प्रश्न तेज प्रताप यादव वेद प्रकाश पे मानहानि के केस ये सब महादलित लड़का रौरा महादलित के बात अभी कह रहा ऐसे हमारा कोनो मतलब नहीं पार्टी मानिए से न पार्टी का कहा तो बताइए क्या कहो समाज के वो सवाल से काम मतलब रउआ सवाल पूछी जौना काम खाती हमने गायल बने जाए मैंने वो जौन कहले प्रताप जी का कहले काहे गलत बा की सही बा रउरा समझ से तो मैंने न्यायिक बात में ओकर जांच हो रहल बा तेज प्रताप जी के जे पार्टी बहु जवाब दे एकर हम ओकर अथराइज नहीं खे हमने के बिना मतलब के भावुक ना है जाके भोगत रह जाए हमने के पॉलिटिकल आदमी है हमने के जो राजनीतिक बात करेंगे वो बात करें जा दुनिया में तो बहुत लोग के घर घर के लड़ाई बा आगे ही आंदोलन उसके लड़ाई बा तो सबके बात कहते आगे ही आंदोलन के कितना बड़ रूप दिया है आंदोलन ही आज नहीं के शुरू भइल ना आज खत्म होता ये आंदोलन बहुजन समाज के दलित समाज के पिछड़ा समाज के आ कोनो जात के जब प्रगतिशील लोग बा जेकर अधिकार छीनल जाता ओकर अधिकार के प्रति जागरूक करे खातिर होता एमे कोनो भाला तलवार नहीं है एक कोई के खिलाफ नहीं है कोनो कोई के खिलाफ नारा नहीं खेला लागत कोनो धर्म जाति के खिलाफ नहीं खेला लागत हमने के तो कह दें भाई जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं हमारे हाथ में कलम बाबा साहब ने दिया हमें वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया उस उनके मूर्ति को तोड़ करके उनके विचारों को मारने वाले लोगों को हम बताने आए हैं कि अब उनके लोग शिक्षित हो रहे हैं और संगठित हो रहे हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हो रहे हैं इसलिए ये सब कुछ नहीं होगा। कब टूटा है किस तारीख को टूटा एक साल पहले की घटना इस अभी की घटना नहीं फेसबुक पे कुछ लोग मैंने तो दावा मैं कर रहा हूँ कि जो मुझे माई बहन का गाली दे रहे हैं किसी की हैसियत हो तो हमसे आके बात करें मैं सरेआम उपस्थित हूँ इसी छठिया पोखरा पर आके बात करें हम वार्तालाप में यकीन करते हैं माई बहन का गाली देने से क्या होता है हमारी बातों से असहमति है तो तार्किक बात लिखिए एक भी सोशल मीडिया पर किसी ने तर्क दिया अजीत कुशवाहा का विरोध तार्किक बात करो तनी तो अजीत कुशवाहा का विरोध क्यों कर रहे हैं लॉजिक है क्या आपके पास नो लॉजिक माई का गाड़ी बहन का गाड़ी देने से क्या हो जाएगा हम तो जानते हैं कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किया तो क्या कहा गया आरक्षण कहाँ से आई कर्पूरिया के भाई साहब वही मेरे साथ हो रहा है यहाँ वही मैंने क्या गलत कहा मैं तो कह रहा हूँ डंगे के चोट पर कहता हूँ किसी को अगर मैंने कुछ गलत कहा असंसदीय कहा आपको लगता है कि आपके धर्म के विरुद्ध कहा एफ आई आर कीजिए संविधान
तो धर्म की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। संविधान में तो सारी चीजें हैं, है कि नहीं है। संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना अपना धार्मिक कृत्य करने का अधिकार है और कोई भी किसी धर्म में इनक्रोचमेंट नहीं करेगा। आपको लगता है कि अजीत कुशवाहा से आपका धार्मिक भावना आहत हुआ है? FIR कीजिए, कोर्ट में हम जवाब देंगे। और नहीं कर सकते हैं, आप हमसे कबार बात कीजिए। क्या हमने संजय उपाध्याय जी से बात करने से इनकार किया? हमने चंद्रशेखर जी से बात करने से इनकार किया? क्या कभी आपने आकर के हमसे पूछा? हम करें ऑनलाइन नहीं, कभी ऑफलाइन आइए ना आप मेरे पास, कभी आइए भाईचारे के माध्यम से पूछिए। मैं जो भी कहता हूँ डंके के चोट पे कहता हूँ। आपको चोट लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पास चूंकि लॉजिक नहीं है, सदियों सदियों से आपने जो सिर्फ हम लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, हमारी सत्ता में दावेदारी होगी कि नहीं होगी? अब हम सत्ता में दावेदारी कर रहे हैं, आपको जलन हो रहा है कि अजीत कुशवाहा कैसे विधायक बन गया, और बन गया तो ये तो अधिकार की बात करने लगा। ये जलन है, ये तो लॉजिक है तो बात करिए, तर्क है तो कोई बात करे। रोज गाली देते हो से क्या हो जाएगा? कुछ तार्किक बात कोई नहीं। शॉर्ट ने कुंवर सिंह के बारे में पूछा, मैं MLA नहीं था उसके पहले टूटा हुआ था, अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है और हम कह रहे हैं अरे वीर कुंवर सिंह को नहीं। सुनिए, मूर्ति तो किसी की भी तोड़ना गलत है, मंदिर तोड़ना गलत है, मस्जिद तोड़ना गलत है। मस्जिद तोड़ने वालों को मुकुट पहनाया जा रहा है, आपने उनसे नहीं पूछा। मस्जिद तोड़ने वालों को देश भर में सम्मानित किया जाता है, आपने उनसे नहीं पूछा। दंगा करने वालों को सम्मानित किया जाता है, उनसे आप नहीं पूछा। किसी की मूर्ति टूटे हम उसके खिलाफ हैं, मूर्तियों में लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी लोगों के आस्था का ख्याल रखना है। हम कभी भी ऐसा वक्तव्य नहीं देते हैं जिससे किसी की आस्था आहत हो, और किसी की आस्था अगर आहत हुई तो हमसे बात कर लें। हमारे जैसा जनप्रतिनिधि कहाँ है जी? हम कहाँ अवेलेबल नहीं है, पटना रहते हैं, अभी तो हैं यहीं पर खुलेआम, कोई गार्ड बॉडी गार्ड लेके घूम रहे हैं? आप आइए ना भाई, बातचीत कीजिए। बगल में तो पुस्तकालय बनवा रहे हैं इसीलिए कि बाबा साहब को पढ़ा जाए। मैंने यही कहा कि बाबा साहब मूर्तियों में वास नहीं करते हैं, वो दिमाग में वास करते हैं, दिमाग को खत्म कर देंगे, बस का बात नहीं ना। अच्छा, मूर्ति सब गलत बात। मूर्ति विवाद पे जो मूर्ति टूटल बाबा साहब के, अभी SP साहब से का आश्वासन मिल रहा, का लागत है? आश्वासन रहल कि अपराधी के गिरफ्तार कर लिए, अभी तक ना भेल तो फेल बने तो बात होता। पीछे पीछे गाड़ी चलती है के कर इंस्पेक्टर साहब के? इंस्पेक्टर साहब का काम बा कोनो सभा जुलूस के सिक्योरिटी देवे के, वो चलबे करी कहे ना चले, वो तो सुरक्षा में बने हमने के ई सुरक्षा वाला लगो इतन रक्षा करे खातिर अपराधी के पकड़ वो उनका से पूछे नानू बोली लो कहि लो के SP साहब से ई तो उहे बते हनो हम तो SP हैं ना, हम तो सवाल पूछा तन्नू, हमारा सवाल पूछे ऑर्डर पर सवालिया निशान सर जरूर लगता है। सवाल पूछना है चंद्रशेखर बाबू, पूछ सकते हैं। मैं ऑनलाइन बोलता हूँ और जो मैं अंदर बोलता हूँ वही मैं बाहर बोलता हूँ। अंदर तो लाठी चलने लगता है। कहाँ लाठी चलाता है? सदन में। हम हमारे पास आए कभी लाठी चला है? हमसे बात कीजिए, बाहरी सदन में ना चला। अरे लाठी से क्या होता है, लाठी गोली हम लोग को रुकता है, लाठी का हैसियत है ये सब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, ठीक बात, थैंक यू। असंवैधानिक बातों को सदन में जाने के बाद भी वो पूरा सुशिक्षित नहीं है और भारतीय संविधान को नहीं जानता, जिसका प्रतिफल है वो जाकर के संसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है। जिला के आंदोलन अभी चले, आंदोलन अभी लंबा खींचेगा सर, तब तक आंदोलन चलेगा जब तक कि हमारे समाज और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं इस देश में, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी फॉरवर्ड हैं, आप क्यों नहीं मूर्ति तोड़ने जाते हैं? मैं यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं करता, यहाँ लोग कुछ लोग चाहे वो केंद्र की सरकार में बैठी हुई गुंगी बहरी सरकार है या बिहार में बैठी हुई सरकार है, ये देश जो है दो विचारधारा में विभक्त हो गया है, एक मनुवाद की तरफ और दूसरा अम्बेडकरवाद की तरफ। हमारे अम्बेडकरवादी लोगों को मनुवादी लोग अपने भारतीय संविधान में को खत्म करके जो है मनुवाद लागू करना चाहते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जो राम का मंदिर बना अयोध्या में, वो राम का मंदिर किसके आदेश से बना? माननीय सुप्रीम कोर्ट जो एक संवैधानिक संस्था है, और उस सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था जैसी व्यवस्था जो देने वाली है उसको किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो आपके राम को मैं गाली नहीं देता, क्योंकि आपके आस्था से अम्बेडकर का भी मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अम्बेडकर का मंदिर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अम्बेडकर दिलों में रहते हैं, अम्बेडकर लोगों के दिलों में रहते हैं, मंदिर नहीं बनना चाहिए। उनके विचारों में विश्वास करके आप अपना जो है
विचार देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी बात करे खातिर, और लोग इंतजार करते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद मिल लेनी डॉक्टर सैनी साहब से, सुभाष सपा के यहाँ के पूरे प्रदेश के संभालतनी। अब देखे के बटुए कि एजा के प्रशासन शासन कब तक आरोपित लोग के गिरफ्तार करता। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह के साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।